एक 9 मंजिल होटल का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसका बेसमेंट का कार्य चल रहा था। उस बेसमेंट के दौरान परिवादी द्वारा बारबंदी में ठेकेदार को बताया कि भाई कि मेरे मकान के अंदर दरार आ रही हैं, आप सावधानी पूर्वक कार्य करें। परंतु पारवानी वे ठेकेदार द्वारा लापरवाही एवं गफलत पूर्वक कार्रवाई करने के कारण मानव जीवन को संकट में डालकर सोनी नगर फायसागर रोड पर व्यावसायिक निर्माण के दौरान मानव जीवन को संकट में डालने का मुकदमा दर्ज। अंडरग्राउंड 3 मंजिला बेसमेंट की खुदाई के दौरान पड़ोस का मकान गिरने से परिवार के लोग हुए चोटिल। सोनी नगर फायसागर रोड पर दिलीप पारवानी, शांति पारवानी के द्वारा ठेकेदार आनंद सिंह चारण के मार्फत व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा है। इस दौरान नियम कायदों को ताक में रखकर लगभग 50 फुट गहराई में बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी, जिसकी वजह से पड़ोस में रहने वाले शमशुद्दीन घोसी के मकान में दरारें आई और वह मकान धराशायी हो गया। इस दरमियान घर में रह रहे महिलाओं व बच्चों को काफ़ी चोट आई। जब इस मामले में निर्माणकर्ता दिलीप पारवानी से बात की तो उन्होंने उल्टा उन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया, जिस पर पीड़ित परिवार ने पड़ोसियों के साथ जहां सोमवार को जिला कलेक्टर रेडियम सिटी और पुलिस अधीक्षक से मामले में शिकायत कर न्याय व सुरक्षा की गुहार लगाई, वहीं मंगलवार को गंज थाने में अप्रार्थीगण दिलीप पारवानी, शांति पारवानी और ठेकेदार आनंद सिंह चारण के विरुद्ध मानव जीवन को संकट में डालने का एक मुकदमा दर्ज कराया गया। गंज थाने के सहायक उप निरीक्षक बलदेव सिंह ने बताया कि शमशुद्दीन घोसी की रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 145/22 IPC की धारा 288, 336, 337, 504, 427 और 34 IPC में दर्ज कर मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। परिवादी शमशुद्दीन पुत्र श्री गपूर जाति घोसी, उम्र 65 साल, निवासी 29/4 वार्ड नंबर 4 बागचंद सोनी नगर के सामने निवास कर रहा है, जिसका करीब 50 वर्षों से उक्त जगह पर निवास कर रहा है। उसके पास के अंदर श्रीमती शांति पारवानी व दिलीप पारवानी व ठेकेदार आनंद सिंह चारण द्वारा एक 9 मंजिल होटल का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसका बेसमेंट का कार्य चल रहा था। उस बेसमेंट के दौरान परिवादी द्वारा पारवानी में ठेकेदार को बताया कि भाई कि मेरे मकान के अंदर दरार आ रही हैं, आप सावधानी पूर्वक कार्य करें। परंतु पारवानी व ठेकेदार द्वारा लापरवाही एवं गफलत पूर्वक कार्रवाई करने के कारण मानव जीवन को संकट में डालकर उक्त प्रकार का कार्य करने के संबंध की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिससे मुकदमा नंबर 143/22 धारा 288, 336, 337, 504, 427 और 34 IPC में दिनांक 18/4/2022 को दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। ये शांति पारवानी, आनंद सिंह चारण व दिलीप पारवानी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ है। तीनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है।